खबर देवास से है, जहां 10 दिन पहले हुए मारपीट के मामले में युवक की मौत की बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में युवक के हत्यारे जहां फरार चल रहे हैं, वहीं प्रशासन ने अपराधी के अवैध मकानों और दुकानों पर कार्रवाई की है। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने आरोपी के घर और बस स्टैंड स्थित दुकान पर कार्रवाई की। वहीं करणी सेना की मांग है कि फरार आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। मौजूद हूँ देवास से 30 किलोमीटर दूर सोनकर क्षेत्र में, जहाँ पर 10 दिन पहले एक युवक की मार पीटने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 9 लोगों को जेल पहुंचा दिया, उसमें एक आरोपी फरार है। पूरी घटना इस प्रकार है कि आज युवक की जो है कि मौत हो चुकी है, उसके बाद में करणी सेना यहाँ पर पहुंची, उनकी मांग है कि जो फरार आरोपी गिरफ्तार किया जाए। साथ ही जो पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो मेरे केंद्र के माध्यम से आप देख सकते होंगे कि केंद्र जो है कि DGP आरोपी के मकान को यहाँ पे जो है कि तोड़ने के लिए पहुंची है। लखन जो है आरोपी है, जो अभी फिलहाल ये जो जेल में है, इसकी जो दुकान है तोड़ने की जो है प्रोसेस चल रही है। इसके बाद और भी जो अन्य आरोपी है, हो सकता है उनके मकानों को भी यहाँ पे तोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, मैं कैमरामैन से कहूँगा, वो शायद यहाँ पे दिखाई सोनकच का मुख्य चौराहा है, बस्टैंड कहा जाता है, और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा है और भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। अलग अलग थाना पुलिस को यहाँ पे बुलाया गया है और अलग अलग थाना क्षेत्र की पुलिस अलग अलग मोर्चे पर खड़ी है, उनको मोर्चा संभाले हुए हैं। और कैमरा पर्सन शाहिद खान, MKN, देवास।